भारत में फिर शुरू होगा टिकटॉक, चाइनीज ऐप को खरीद सकता है सॉफ्टबैंक। जापान की दिग्गज कंपनी सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्प भारत में टिकटॉक के एसेट्स को खरीदने की कोशिश में है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी इसके लिए पूरी सक्रियता के साथ भारतीय साझेदारों को तलाश रही है। सूत्रों का कहना है कि पिछले एक महीने के दौरान सॉफ्टबैंक ने रिलायंस की जियो इन्फोकॉम लिमिटेड और भारतीय एयरटेल लिमिटेड के प्रमुखों के साथ बात की है। कंपनी साथ ही और विकल्प भी तलाश रही है। आपको बता दें कि टिकटॉक की मूल कंपनी बाइट डांस लिमिटेड में सॉफ्टबैंक की हिस्सेदारी है। इस बारे में सॉफ्टबैंक, बाइट डांस, रिलायंस और भारतीय एयरटेल ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। कमजोर मांग से सोयाबीन और धनिया वायदा कीमतों में गिरावट। कमजोर हाजिर मांग के कारण कारोबारियों ने अपने सौदों के आकार को कम किया, जिससे वायदा कारोबार में बृहस्पतिवार को सोयाबीन की कीमत 16 रुपए की हानि के साथ 3,926 रुपए प्रति क्विंटल रह गई। NCDEX में सोयाबीन के सितंबर महीने में डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 16 रुपए अथवा 0.41% की गिरावट के साथ 3,926 रुपए प्रति क्विंटल रह गई, जिसमें 26,795 लॉट के लिए कारोबार हुआ। वहीं हाजिर बाजार की कमजोर मांग के बीच सटोरियों ने अपने सौदों के आकार को कम किया, जिससे वायदा कारोबार में बृहस्पतिवार को धनिया की कीमत 2 रुपए की हानि के साथ 6,800 प्रति क्विंटल रह गई। डॉलर के मुकाबले आज रुपए में भारी गिरावट। घरेलू शेयर बाजार में सुस्ती और अमेरिकी डॉलर में मजबूती के चलते गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 44 पैसे गिरकर 73.47 के भाव पर बंद हुआ। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया कमजोरी के साथ 73.23 पर खुला और आगे गिरावट दर्शाता हुआ अंत में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले करीब 44 पैसे की गिरावट दर्ज करते हुए 73.47 पर बंद हुआ। इस तरह दिन के कारोबार के दौरान रुपये में 44 पैसे की गिरावट आई। रुपया बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 73.03 पर बंद हुआ था। दिन के कारोबार के दौरान रुपये ने 73.23 का ऊपरी स्तर और 73.48 का निचला स्तर देखा। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।